जय जोहार संगवारी हो। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मुंगेली जिला में अनुरागी धाम मोतिनपुर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 29 दिसंबर से नौधा रामायण स्टार्ट होता है, जो प्रतिवर्ष होता है, ठीक है, 29 दिसंबर से। और जो नौधा रामायण के जो है समापन दिवस है दोस्तों, वह 7 जनवरी को होता है। और 6 जनवरी को यहाँ पर जो है बहुत ही भव्य कलश यात्रा जो है निकाला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इस मतलब मेला में जो है बहुत बड़े भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें बहुत सारे गांव जो है सम्मिलित होते हैं दोस्तों। और यह जो धाम है दोस्तों बिलासपुर से लगभग जो है 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है जो मतलब रोज़ जो है 6 बजे स्वामी जी की आरती प्रतिदिन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सुबह 7 बजे मतलब सुबह आ सकते हो 12 बजे तक, और शाम को वही 3 बजे से आप 5 बजे तक आ सकते हो घूमने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों अनुरागी जी का जो मेन गेट के पास। तो यहाँ से हम लोग साइकिल रखेंगे वहाँ पर गेट के पास जाने के बाद, वहाँ से जाएंगे हम लोग अंदर। यहाँ रख देते हैं अपना जो साइकिल है उसे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर। देख सकते हैं ये अपना समाधि स्थल है, जो स्वामी जी अनुरागी बाबा का समाधि स्थल है। और ये अपना समाधि जो बाबा जी का है अंदर में। और जो समाधि बने हुए हैं दोस्तों, इसमें जो है हफ्ते में शायद 2 बार ये मतलब बदलता है, चेंज होता रहता है। और ये अपना स्वामी जी का फोटो है, और ये उसका समाधि स्थल देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और ये उसका चारों तरफ है जो समाधि स्थल के बना के रखे हैं, यहाँ पर सेट लगाए हुए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं गार्डन की तरफ, आप सभी को मैं गार्डन दिखाता हूँ। और जो वहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, जो गार्डन के बीचों बीच है, अभी दिखाता हूँ आपको, वो ओम बना हुआ है, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं, ओम बनाए हैं यहाँ पर, देख सकते हो भाई बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ पर जो दिख रहा है कुछ बगुले हैं जो पेड़ पर बैठे हुए हैं। और अपन चलते हैं मेन गार्डन की तरफ। देख सकते हो बहुत ही तरह तरह के जो है गुलाब का फूल है, और यहाँ पर कई प्रकार से जो फूल है लगा हुआ है। मेले मतलब जो मेला रहता है उस टाइम पर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अभी तो फिलहाल मेला हो चुका है ख़त्म, अभी हम लोग आए हैं। देख सकते हो भाई कई किस्म का जो है लगा हुआ है। और अपन लोग उधर चल के आपको और दिखाते हैं। देख सकते हो पूरा गुलाबों का जो है बगान लगाए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर मतलब कई किस्म का जो गुलाब है, तरह तरह के कलर का है, वो सभी प्रकार के जो कलर है वो लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो कई किस्म का है। कहाँ ठीक है अब यहाँ से हम लोग चलते हैं दोस्तों मेन जो सेंटर पॉइंट है गार्डन का, वहाँ पर देख सकते हो बीच में स्वास्तिक बनाए हुए हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर जो गार्डन के जो कोने कोने में बहुत ही खूबसूरत फूल लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। शाम के 3 बजे 6 बजे शायद 5 बजे
और यहाँ पर इन लोगों ने बनाए हैं दो कुर्सियाँ, दिखाता हूँ आपको। ये मिट्टी और घास का बना हुआ है, ये मिट्टी का, बहुत ही खूबसूरत, जो बैठने के लिए, जो आप आ रहे हो तो थक गए हो तो इसमें बैठ सकते हो, बहुत ही आरामदायक और आनंददायक कुर्सी है। और अपन चलते हैं नदी की तरफ, आप सभी को दिखाता हूँ। एक और है वहाँ पर, दूसरा गार्डन है नदी के पास में, इधर भी जाएंगे, अभी आते हैं उधर से, उसके बाद देख सकते हो यहाँ का गार्डन। ये यहाँ पर ये बनाए हुए हैं दोस्तों, बैठने का बनाए हुए हैं, ये जो है बैठने का है अपना, इसमें आप आराम कर सकते हो। और आप लोगों को लेके चलता हूँ नदी की तरफ, देखते हैं नदी की तरफ को जाने का जो रास्ता है वो खुला है कि नहीं। तो अभी तो फिलहाल जो है नदी जो है सूख चुका है गर्मी की वजह से, अभी खाली खाली है। देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत जो गार्डनिंग किया हुआ है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये जो नदी है वह पूरा भी सूख चुका है, तो उतना खास अच्छा तो अभी दिख नहीं रहा है। उधर जो गड्ढे गड्ढे में है, जहाँ पर ज़्यादा गहरा है वहाँ पर जो है अभी फिलहाल पानी होने है, और यहाँ किनारे पर तो अभी सूख चुका है, और जो गेट भी है वो बंद है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जो है बुद्ध जी का बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना हुआ है, और हम लोग आ गए हैं वहाँ से घूम के बाहर, और अभी जा रहे हैं जो चेला है, जो बाबा जी का जो भक्त था उसके पास, उसके जो बोले जाए तो समाधि स्थल के पास। तो यहाँ पर जो है अभी गेट तो बंद है, देखेंगे ताला लगा कि नहीं, तो यहाँ पर तो इसे ताला लगा नहीं है, अभी जाएंगे अंदर, देख रहे हैं अपन। और ये है अपना हीरो भाई, तो अभी खोलेगा, अभी देख रहे हैं। चलते हैं अपन अंदर की तरफ, आ गए हैं। और यहाँ पर जो है भाई दरवाज़ा लगा हुआ है, इस वजह से आप लोगों को अंदर का नज़ारा जो है नहीं दिखा पाऊँगा, नहीं तो अंदर का जो बाबा जी का जो भक्त है उसका जो है समाधि स्थल है। अभी फिलहाल लगा नहीं है ताला, लेकिन बिना परमिशन के हम लोग जो है अंदर अभी नहीं जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।